हॅलो, मी नरेंद्र, कलाकार आहे आणि खूप छान असा एक वर्कशॉप झाला आहे स्पेशली फॉर ड्रॉईंग. कारण सहसा ड्रॉईंगचा असा वर्कशॉप होत नाही, कारण खूप सारे लोक करण्यासाठी खूप सारे वर्कशॉप वाटे घडवतात. पण बेसिकली राहुलने जो हे घेतला आहे एक वर्कशॉप स्पेशली ड्रॉईंग करता, इट्स व्हेरी नाईस. दुसरी गोष्ट सांगायची की खूप साऱ्या पद्धतीने काम करता मन ड्रॉईंग राहून जातं. आणि ड्रॉईंग खरंच पेंटिंग होऊ शकतं का हा प्रश्न नेहमी असतो. किंवा की ड्रॉईंग इट्स सेल्फ अ पेंटिंग. आणि काम करताना पण बऱ्याच व्हेरिएशन जसे हवे असतात ते आपण सहसा देत नाही, कारण एक कुठेतरी माइंडसेट असतो, करू की नको करू, कसं स्टार्ट करू, कसं होणार. पण त्या पलीकडे जाऊन आपण खरंच एक फ्रीडम घेऊन कसं काम करायला पाहिजे ते आपण चांगल्याने समजू शकलो. हेलो, मेरा नाम सरोजनी डबराल है और मैंने ज़िंदगी में कोई पहली बार कोई आर्ट वर्कशॉप अटेंड करी है और काफ़ी अच्छा सीखा. सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये कि आर्ट को स्पिरिचुअलिटी के साथ किससे किसे कनेक्ट किया जा सकता है और आप खुद अपनी आर्ट के साथ कैसे कनेक्ट आपको होना चाहिए ये चीज़. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सिंप्लिसिटी कितनी ज़रूरी है. आजकल हम अपने काम को खुद को बहुत कॉम्प्लेक्स करके रख देते हैं, लेकिन कितनी सिंपल तरीके से कोई चीज़ बनाई जा सकती है. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में बहुत खूबसूरती हो या बहुत ही हर थिंग परफेक्ट लाइन्स हो, लेकिन आर्ट को एक आर्ट के नज़रिए से दिखाना वो बहुत ज़रूरी है. सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है. ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आ गई. और एक चीज़ और जो मैंने सोचा है कि मुझे करना है इस वर्कशॉप के बाद वो है अंदरनिंग, क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स वगैरह करी हैं जो अंदर प्रैक्टिस के साथ साथ घुस गई हैं. तो वो अनलर्न करके मुझे सिंप्लीफाई आर्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट करना सीखना है. और आई होप कि मैं कुछ आगे अच्छे से कर पाऊँ. थैंक यू सो मच सर फॉर योर मी प्रतिष्ठा जाधव आणि माझं हे पहिलंच वर्कशॉप आहे. ॲक्च्युली मला वाटलेलं की सगळे स्टुडंट लेवलचे वगैरे लोक येतील, पण करायचं नाही. ते सगळेजण माझ्यापेक्षा खूप मॅच्युअर्ड आहेत आणि त्यांचा पेंटिंग सेन्स आणि माझं अकॅडमिक लेवलला आहे मी तरीसुद्धा त्यांनी मला हे डिफरन्स जास्त करून जाणवला नाही आणि छान वाटलं आणि खूप गोष्टी शिकायला भेटल्या. थँक्यू सर. मैं केतन पढाया. मैंने ये जो वर्कशॉप अटेंड किया तो उसमें मुझे काफ़ी सारा एक अलग एंगल से सब कुछ सीखने मिला, देखने मिला. और जो भी काम किया उसको मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा. इम्प्रूव मतलब इस वे से काम करके जो मुझे मिल रहा है. पहले मैं सेल्फ था, अभी मैं सेल्फलेस होकर काम करना चाह रहा हूँ, थॉटलेस होकर काम करना चाह रहा हूँ. फॉर्म क्या है वो सब चीज़ें इस वर्कशॉप में मुझे पता चली है. तो इसके लिए थैंक यू राहुल सर का और थैंक्स अ लॉट और बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स को भी, हमको भी और राहुल सर को भी.